अलाव तैयार हो गया, इब्राहिम की पेशी हो गई, इब्राहिम ने उस अलाव में कूदना भी गवारा कर लिया। अल्लाह की तौहीद से उन्होंने समझौता बोलो नहीं किया, बस अल्लाह से दुआ की। सही बुखारी किताब तफसीर की रिवायत है, 4563 नंबर की हदीस है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आग में फेंके जा रहे थे वो, तो उन्होंने दुआ फरमाई थी, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, बस मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है वो। बड़ी जामे दुआ है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और एक दूसरी रिवायत में कि हज़रत इब्राहिम कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंत फिस्समाई वाहिद وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا سچا معبود، اور اے اللہ اس تیری دھرتی پر میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا بندہ۔ اے اللہ تو اپنے توحید کی لاج رکھ لے، اپنے بندے کو بچا لے۔ اس کے بعد ہی انہیں ڈالا تو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ठंडी लेकिन सलामती वाली बन जा, इतना ठंड भी ना होना कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ हो। अल्लाह अकबर। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। लोग साहिल पर खड़े हुए नज़ारा कर रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि इब्राहिम आग में चल रहे हैं, उनका बाल भी कना हुआ, इतना बड़ा मोजज़ा। लेकिन वह ऐसी कौम कि अपने बादशाह के डर में उस एक इंसान ने भी उसमें से राय हिदायत नहीं उनको मिली, कबूल नहीं किया उन्होंने, हालांकि इब्राहिम उस आग से बाहर चले आए। अल्लाह अकबर।